इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम पैलेस कॉलोनी के एक घर में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच चल रहे क्रिकेट मैच को लेकर सट्टे का काम चल रहा है। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और एरोड्रम थाना पुलिस ने दबिश देकर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन, एक टीवी सेटअप बॉक्स, 2 कैलकुलेटर, 3100 रुपये नगद और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब मौके से जब्त किया गया है। आरोपियों ने सभी मोबाइल में फर्जी नाम से सिमें ले रखी थी, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि शुभम पैलेस में कॉलोनी में कुछ लोग एक मकान में बैठ के और लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का उपयोग करके ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम ने मिलकर वहां पर पहुंचकर रेड किया था, तो सुशील खत्री निवासी शुभम पैलेस कॉलोनी, सलेन भावसार निवासी हुकमचंद कॉलोनी, अविनाश लक्ष्मणपुरा का, महेश कागदे नेहरू नगर इंदौर का, कुणाल शर्मा कृष्ण वाटिका एरोड्रम का और जनार्दन गलगट्टे ये रामनगर इंदौर के रहने वाले थे। ये लोग 6 लोग एक कमरे में बैठकर टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, 21 मोबाइल फ़ोन और वाईफाई और कैलकुलेटर, इस सब का उपयोग करके वहाँ पर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था मौके से। और इनके विरुद्ध में धारा 3/4 जुआ एक्ट और 66 एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3100 रुपये नगद तथा लाखों रुपयों की ऑनलाइन सट्टा लगाने के हिसाब किताब मिले। जो सुनील खत्री है, मुख्य रूप से वो वहाँ किराए के मकान में रहता है और उसी के द्वारा ये सट्टे का संचालन किया जा रहा है। और ये इमली बाज़ार के कोई गोपाल करके व्यक्ति से इसने लिंक लेके और ये सट्टा का संचालन का कार्य कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।